बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हम आपको लेक्चर देने जा रहे हैं वो है मज़मून नवेसी पे। तो बेटा, क्योंकि अब आप क्लास पंजुम में आ चुके हैं और इससे पहले जमात सोएम और चहारुम में आप जब मज़मून लिखा किया करते थे तो लाइन्स की सूरत में, जुमलों की सूरत में किया करते थे। अब हम आपको आपके पंजुम के दर्जे के मुताबिक मज़मून नवेसी को बेहतर अंदाज में लिखना सिखाएंगे। सबसे पहले तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अब मज़मून नवेसी लिखी कैसे जाएगी। तो बेटा, इससे पहले मैंने आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक एक कहना चाहिए आज़ादी के तहत मज़मून लिखने के लिए कहा था, और वो था मेरी डायरी का एक वर्क। कुछ बच्चों ने उस मज़मून को नसर पारे के तौर पे लिखा है और कुछ बच्चों ने उसे जुमलों की सूरत में लिखा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज से अब जब आप पंजुम जमात के मज़मून लिखा करेंगे, मज़मून नवेसी किया करेंगे, तो अब उसमें एक थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है? अब आपको पैराग्राफ की सूरत में मज़मून नवेसी करनी होगी। अब आपको मज़मून नवेसी किस तरह करनी होगी पैराग्राफ की सूरत में, वो क्या हिस्से होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा, आइए सीखते हैं कि बेहतरीन मज़मून नवेसी किस तरह की जाती है। देखिए, मज़मून नवेसी के तीन हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहले जो भी पैराग्राफ हम लिखेंगे या जो भी बात हम करेंगे उसको इब्तिदाइया कहते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको तफसील से बताती हूँ। दूसरा हिस्सा नफ्से मज़मून, और तीसरा हो जाता है इख्तितामिया। अब मैंने आपको ये तीन हिस्से बताए हैं, ये तीन पैराग्राफ हरगिज़ नहीं हैं। अब इन तीन हिस्सों के मुख्तलिफ पैराग्राफ हो सकते हैं, फिर मैं बात करूँगी, क्योंकि अब आप पहली मर्तबा पैराग्राफ की सूरत में मज़मून नवेसी करने जा रहे हैं, लिहाजा हम आपको अभी बड़ी क्लासेस की तरह बहुत ज़्यादा बड़ा मज़मून या बहुत ज़्यादा पैराग्राफ की सूरत में नहीं बता रहे, बल्कि हम आपको तीन या चार पैराग्राफ ही लिखना सिखाएंगे, ताकि आपको आदत हो, आप वो लिखना सीखें, और जब खुद बच्चा लिखता है बेटा मज़मून तो फिर वो उसको याद रहता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बास चीज़ें याद करने के लिए नहीं होती। मिसाल के तौर पे मज़मून नवेसी, जब आपको कोई उनवान दिया जाता है तो आपको सिर्फ उस उनवान के मुतालिक मालूमात होनी चाहिए, उसके बाद मज़मून लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, जो हम आज आपको सिखा रहे हैं। अब आइए देखते हैं, ये तीनों आपने पॉइंट्स देखे, नुकात देखे, इब्तिदाइया, नफ्से मज़मून और इख्तितामिया। सबसे पहले हम लेते हैं इब्तिदाइया। इब्तिदाइया, जैसा कि नाम से जाहिर है, इब्तिदा हो रही है, शुरू हो रहा है। तो आपको अपने मज़मून को शुरू करने के लिए क्या करना है? आप किसी से मुलाकात करते हैं, किसी से अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं, तो उसके तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं ना, कि आप सलाम करते हैं, खैर खैरियत पूछते हैं, फिर आप अपने असल बात पर आते हैं, मिलने का मकसद बयान करते हैं। तो यहाँ पर भी मज़मून नवेसी में भी जो आपकी इब्तिदा होगी वो तमहीद होगी, यानी आप तमहीद बांधेंगे अपने असल उनवान तक आने के लिए। अब इब्तिदाइया का जो पैराग्राफ है वो एक ही होता है अमूमन, आम तौर पे, और उसकी चार पांच या छह लाइंस, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब आ जाइए, हमारा दूसरा नुक्ता है नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून दरअसल अहम हिस्सा है, और ये जो आपको सवाल दिया जाता है, जो उनवान दिया जाता है मज़मून नवेसी के लिए, उससे मुताल्लिक होता है। अब इस नफ्से मज़मून के कई पैराग्राफ होते हैं, अगर आप एक पैराग्राफ लिख देंगे तो बात बहुत मुख्तसर होगी, नामुकम्मल होगी और कायदे से नहीं होगी। लिहाजा आपको यहाँ अपनी नॉलेज देखनी है, अपनी मालूमात देखनी है, उसके हिस्से करने हैं, उसको दर्जों में तकसीम करना है, और यहाँ दो से तीन पैराग्राफ तो कम से कम बेटा आप लोग बनाएंगे, लिखेंगे, ठीक है? अब इस नफ्से मज़मून का बहुत ज़रूरी है आपके सवाल के जवाब का होना।
मिसाल के तौर पे आपको अगर एक मज़मून दिया जाता है हमारा स्कूल, ठीक है, तो आपको सारी बात अब यहाँ पर अपने स्कूल से मुतालिक करनी है, अब इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। आपको तमाम नॉलेज मालूमात और जिस तरह बेहतर तरीके से आप हमारे स्कूल से मुतालिक बात लिख सकते हैं यहाँ लिखते चले जाएंगे। ये पैराग्राफ या ये पैराग्राफ्स जितने होते हैं ये दरअसल आपकी बेहतरीन इंशा पर्दाजी, आपकी बेहतरीन तहरीर का अच्छा नमूना होते हैं। अब आइए आखिरी पैराग्राफ, अमूमन ये भी जिस तरह हमने इब्तदाया 4 से 6 लाइन का लिखा था ये भी मुख्तसर होता है और इसमें तमाम बात को समेटा जाता है, तमाम मौजू को एक ऐसे पॉइंट पे लाया जाता है जहां अब आपने अपने मज़मून से रुख्सत लेनी है। बिल्कुल वही बात करूँगी यहाँ पे कि जब हमने किसी से मुलाकात की थी तो सलाम किया था ना, अब जब हम जा रहे हैं किसी से रुख्सत हो रहे हैं तो अल्लाह हाफिज़ कह के जा रहे हैं। तो ये भी तौर तरीके इसी तरह के हैं मज़मून नवीसी के कि अब आपको इख्तिताम करना है और हम हमेशा उम्मीद अफजा बात पर किसी दुआ पर अपने मज़मून का इख्तिताम करते हैं, ठीक है। तो यकीनन आपको बहुत अच्छी तरह से ये तमाम नुकात समझ में आ गए होंगे। ये कहीं आपको लिखने नहीं है, ये आपको सिर्फ समझने हैं और अपनी किसी रफ़ कॉपी में ये पॉइंट लिख के रखने हैं। अब आइए हम आपके असल उन्वान की जानिब चलते हैं। तो ये आपका आज का उन्वान है, इल्म एक लाजवाल दौलत है, जो आपका इस हफ्ते का होमवर्क भी है और जो मज़मून नवेसी आपको खुद करनी है। कैसे, उसके लिए मैं आपको, आपने यहाँ चंद पॉइंट्स देखे, मैं आपको बताती चलती हूँ कि हम इन पॉइंट्स को किस तरह, इन नुकात को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम कोई काम करने बैठते हैं तो उससे मुतालिक तमाम चीज़ों को एक जगह रखते हैं। जैसे आप अगर मैथ्स का काम करने बैठ रहे हैं या ज्योमेट्री का काम करने बैठते हैं तो आप अपनी किताब, अपनी कॉपी, अपनी स्टेशनरी, ज्योमेट्री बुक सब लेके बैठते हैं फिर काम शुरू करते हैं ना। या आप अगर कहीं पेंटिंग करने बैठ रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो आप अपना कैनवस, अपनी कलर्स, अपनी पेंसिल्स, स्केल्स सब एक जगह रखते हैं फिर बैठते हैं। या इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि आप किसी दावत में जाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, कहीं जाना है आपको, तो आप उसकी तैयारी सबसे पहले करते हैं, अपने कपड़े निकालते हैं, मैचिंग के शूज़ निकालेंगे, लड़कियां हैं तो ज्वेलरी और एसेसरीज जो वो पहनती हैं वो निकालेंगी, सब एक जगह जमा करेंगे, डिसाइड करेंगे, प्लानिंग करेंगे, मनसूबाबंदी करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। अब जब हम यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और एक उन्वान दिया गया है तो उसकी भी कुछ प्लानिंग, कुछ मनसूबाबंदी, कुछ कहना चाहिए तदरीसी मवाद की फराहमी होती है जो आपको अपने लिए खुद हासिल करनी होगी। क्या करना होगा, सबसे पहले तो इस उन्वान से मुतालिक वो तमाम बातें जो आपके पास मालूमात की सूरत में हैं या आपने अपने किसी बड़े से, अपनी टीचर से या अपनी किसी किताब से ली होंगी, उनको नुकात की सूरत में लिख लेंगे। कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप पहली दफ़ा लिखना सीख रहे हैं। क्या मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, मुसलमान, वही, मायने, लाजवाल, चोर, कौल, तमीज़ और रौनक। ये क्या है बेटा, ये कहना चाहिए जादुई अल्फाज हैं, ये कीवर्ड्स हैं, इनके ज़रिए आप अपने मज़मून को बहुत बेहतर तौर पे लिख सकते हैं। अब ये जो यहाँ लिखे हुए ना इस उनवान के नीचे, ये आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखने बेटा, आपको क्या करना है कि रफ़ कॉपी में कहीं लिखने हैं जहाँ बैठ के आपने अपनी मनसूबाबंदी करनी है, तदरीसी खाका बनाना है, आपने सोचना है कि मुझे मज़मून में क्या क्या बातें लिखनी है, वो एक रफ़ सफ़े पे आपने लिखना है, ये आपका रफ़ सफ़ा है, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ बताऊँगी, आप गौर से सुनेंगे और समझेंगे और हो सकता है इससे अच्छा मज़मून आप तैयार कर लें। अब हमने इब्तिदा करनी है, हमने पढ़ा था ना मज़मून नवेसी के हिस्से, पहला हिस्सा था इब्तिदाइया, तो हमने इब्तिदा की अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और बाहैसियत मुसलमान इल्म हासिल करना हम पर फ़र्ज़ है, ठीक है, और
जब हम मुसलमान हैं तो हमारा कुरान और सुन्नत पे भी यकीन है, अकीदा है, ईमान है, तो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही का लफ्ज़ भी था इकरा। इकरा के मायने हैं पढ़। इकरा भी इसमें रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। अब आपने इब्तिदाइया लिख लिया, तमहीद बांध ली, तो क्या साबित होता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है और इल्म की इस्लाम में बहुत अहमियत है। कर लिया आपने अपना पहला पैराग्राफ। अब आ जाइए दूसरे पैराग्राफ। अब यहाँ पर हम मायने, लफ्ज़ लिखा हुआ देख रहे हैं, मायने इल्म के मायने जानना के हैं। अब जब हम कोई चीज़ जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो हमारी मालूमात में इजाफा होता है, हम बहुत कुछ हासिल करते हैं और इल्म एक लाजवाल दौलत है। हम जो दौलत हासिल कर रहे हैं वो ऐसी दौलत है जिसको कोई चोर चुरा नहीं सकता। ये वो ख़ज़ाना है जो खर्च करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं और हम यहाँ एक कॉल लिखेंगे। अब आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कॉल कह रही हूँ वो लिखें, आप कोई हदीस भी लिख सकते हैं, आप फरमाने बारी ताला भी लिख सकते हैं, या आप, मैं हज़रत अली करमुल्ला वजह का कॉल यहाँ कोट कर रही हूँ, आप किसी और का भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ जो कॉल लिखवाने जा रही हूँ वो ये है कि हज़रत अली करमुल्ला वजह ने फरमाया कि इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि तुम माल की हिफाजत करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। इल्म हाकिम है और माल महकूम है। ठीक है बेटा, तो आप जब यहाँ से यहाँ तक आए तो आपने एक बहुत अच्छा पैराग्राफ तैयार कर लिया जो कि 8, 10, 11, 12 लाइंस का हो सकता है। अब आ जाइए नफ्से मज़मून का दूसरा पैराग्राफ। लफ्ज़ लिखा है तमीज़। अब इल्म इंसान में अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा करता है। इंसान को पता चलता है कौन सी चीज़ उसके लिए बेहतर है और कौन सा अमल उसके लिए नुकसानदेह है। आगे बढ़िए, रौनक। रौनक से क्या मुराद है? दुनिया की तमाम रौनक इल्म की बदौलत है। कैसे? ऐसे कि जब इंसान ने इल्म हासिल किया तो तामीरात भी की, तख्लीकात भी की, इजादात भी की और अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें उसने बना डाली। ठीक है, आज जो आप दुनिया में रौनक देख रहे हैं ये इल्म ही की बदौलत है। इल्म था तो इंसान को ना सिर्फ अपनी शनाख्त हुई बल्कि उस अमल की पहचान हुई कि जो उसने अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए किया। और आज इंसान इल्म की बदौलत आसमान की रफ़तों तक जा पहुँचा, ज़मीन के ख़जानों तक जा पहुँचा और आसमानों की तह से अपने लिए इल्म नाफ़े की बदौलत बहुत कुछ हासिल कर रहा है। ये इल्म ही है जो एक लाजवाल दौलत की सूरत में आज इंसान के पास है। तो वो लोग जो इल्म को, इल्म की अहमियत को नहीं समझते, वो दरअसल नुकसान उठा रहे हैं, खसारे में हैं, क्योंकि इल्म उजाला है और जहालत तारीकी है। ठीक है बेटा, अब आपने कितनी सारी मालूमात सिर्फ इन चंद 8 पॉइंट की बदौलत नुकात की बदौलत हासिल कर ली और अपने पैराग्राफ्स लिखते चले गए, है ना, एक अच्छा मज़मून तैयार करें। अब हम बढ़ते हैं इख्तिताम की जानिब। अब हमें होपफुल, उम्मीद अफजा इख्तिताम करना है। तो अब आप कहेंगे अलगर्ज ये कि इल्म वाकई एक लाजवाल दौलत है और जिस इंसान के पास इल्म की दौलत है वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बहैसियत तालिब इल्म हमें इल्म नाफ़े हासिल करने की तौफीक अता फरमा, ताकि हम अपने वालिदैन का और अपने वतन का नाम रोशन कर सकें। आमीन। तो ये आपका मज़मून तैयार हो गया, इल्म एक लाजवाल दौलत है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आप एक बेहतरीन मज़मून तैयार करने के काबिल भी हो गए, समझ भी गए और एक अच्छा मज़मून
तहरीर की सूरत में आप लाएंगे, और जब इस लेक्चर को आप सुनेंगे, नोट करेंगे पॉइंट्स को और अपने अल्फाज में लिखेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बड़ा फ़ख्र महसूस करेंगे कि आपने अपना मज़मून ख़ुद तैयार किया। ठीक है, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए मज़मून, एक नए सबक़ी खाके के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।